वो अलबेला वो छेला, पल पल सताए पास बुलाए, उसकी नजरें मुझे महकाए। वो अनजाना लगता है अपना, सांसे कहे उसकी बन जाओ, छोड़ दूँ जहां उसमें छुप जाओ। वो मेरा सब वो मेरा रब, होकर पास दूर क्यों रह जाए, वो सिर्फ ख्वाबों में ही क्यों आए, सिर्फ ख्वाबों में ही क्यों आए। हर कुंवारी कन्या शादी से पहले ऐसे ही ख्यालों से गुजरती है। इन्हीं ख्यालों को लेकर 10 कन्याएं आई थी। मैं यहां हूं ताकि मैं कन्याओं को उनका जीवन साथी चुनने में मदद कर सकूं। और इनमें से एक कन्या सिर्फ 3 हफ्तों में रचाएंगी अपनी परफेक्ट शादी अपने परफेक्ट साथी के साथ। सो प्लीज वेलकम आवर ब्यूटीफुल कन्याएं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। पूछो क्यों? राजवीर जो लौट आए हैं। आपने इसी मंच पर सबके सामने राजवीर से एक वादा किया था परफेक्ट ब्राइड बनने का, तो मुझे बताइए कि भारत की जनता आपको परफेक्ट ब्राइड क्यों चुने? मैं ये मानती हूँ कि एक ब्राइड में जो सारी खूबियाँ होनी चाहिए वो मुझ में है, और उसके साथ साथ एक परफेक्ट ग्रूम और एक परफेक्ट फैमिली। गुरप्रीत, अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, क्या आपका कोई रिश्ता बन पाएगा? जो मेरा रिश्ता यहाँ पे बना है वो बहुत खास है। मुझे बहुत अच्छी सहेलियाँ, बहुत अच्छे दोस्त और 5 माओं का प्यार मिला है। आई थिंक ये बहुत बड़ा रिश्ता बन गया मेरे लिए। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सिल्कीना, आपके पास सबसे कम वक्त है, इसीलिए आपको जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचना है, तो क्या तय किया है आपने? मेरी मुलाकात दोनों कुंवरों से हुई है, यश से भी हुई है और विवेक से भी हुई है। दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। मैं कुछ और समय लेना चाहती हूँ। रुम्पा, क्या हम आपकी और हितेश की शादी यहीं पर इसी मंच पर होते हुए देख सकेंगे? मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैं हितेश से मिली यहाँ पे, और ईश्वर ने चाहा, सबकी रजामंदी तो है ही, तो काफी होपफुल हूँ मैं, और हितेश भी हैं। 4 कुंवर है और 4 कन्याएं। अगर एक एक्स्ट्रा कुंवर होता तो शायद मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचती। खैर, मेरे लिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा कुंवर तो नहीं है, शेखर जरूर है और मलाइका तो है ही। सो आई एम गोना गो एंड जॉइन देम। और कन्याएं, आप भी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। और रोमित भैया, कहाँ है आप? प्लीज जल्दी आइए। भाई, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक्स्ट्रा कुंवर हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा हूँ और आपने मुझे राखी भी अभी तक नहीं बांधी है। तो आप सोचेंगी इस बारे में? वो शेखर के साथ बैठते हुए सोचना थोड़ा बंद हो जाता है। शेखर जी, हाथ छोड़ दीजिए। अमृता, प्लीज सोचेगा, लेकिन फिलहाल आपके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अभी आ रही है एक और कन्या जो लक्स परफेक्ट ब्राइड के खिताब की बहुत मजबूत दावेदार है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। नमस्ते। नमस्ते जी। शेखर जी, आई लव यू टू। मैं अपनी परफेक्ट जगह आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं लक्स परफेक्ट ब्राइड हूँ। अरे, आप लक्स परफेक्ट ब्राइड कैसे हैं? आपको पता है, मुझे लगता है कि प्रियंका जो है ना,
वो लक्ष्य परफेक्ट ब्राइड बनने वाली है। कितनी सीधी सादी है, देखो दिखाओ जरा। फिर एक बार आ गई, ज्यादा ही सीधी सादी है, इतना रोती है, इतना रोती है। उतना तो मैं स्कूल जाते वक्त भी नहीं रोती। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन हमारी गुरप्रीत भी जो है वो कम नहीं है, आपको पता है वो परफेक्ट डांसर है। डांसर है? दीदी इधर आना जरा, आओ। कम ऑन गुरप्रीत, मंच पर आ जाइए, जल्दी। जोरदार तालियां हो जाए गुरप्रीत के लिए। डांस बहुत अच्छा कर लेती हो आप। ठीक ठीक कर लेती हूँ। ठीक ठीक, चलो मेरे को एक स्टेप मार के दिखाओ फटाफट, जल्दी करो। कम ऑन गुरप्रीत, अगर लल्ली कह रही है तो दिखा दीजिए कोई स्टेप। कोई भी कर दो, म्यूजिक तो बजवाओ। नहीं मुंह से बजा लो। करो भी, रुक जाओ। मैंने ठीक किया ना? अब इसकी बारी। ठीक है ऐसे करके बताओ, चलो जल्दी करो। नहीं ये फिर कहां से परफेक्ट हुई? दीदी जाओ अपनी सीट लो। लली आपको पता है अभी सिल्कीना भी बहुत मजबूत दावेदार है लक्ष्य परफेक्ट ब्राइड बनने के लिए। आपको पता है पिछले हफ्ते इन्होंने क्या किया? इन्होंने इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, इन्होंने सारी मम्मियों का दिल जीत लिया है। सिल्कीना जी ये गलत फहमी निकाल दो कि खाना अच्छा बना के परफेक्ट ब्राइड बन जाओगी। अच्छा खाना भी आना चाहिए, मैं पता कितना अच्छा खाना खा लेती हूँ। अच्छा? हाँ जी। लेकिन आपको पता है हमारी जो रूम्पा है वो पिछले हफ्ते लक्ष्य ब्राइड तो वीक बनी है। रूम्पा? हाँ। ये बनी थी? हाय रब्बा इतनी तेज है ना ये, इतना अपनी मम्मी को बटर लगाती है, इतना मस्का लगाती है। दीदी आपके पापा की बटर की फैक्ट्री थोड़ी। मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रेड में और मम्मी को इतना मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा। वो पंजाबी लोग हैं, वो ब्रेड में नहीं पराठे में मस्का पसंद करते हैं। उसकी तो शादी मेरे से ही हो सकती है क्योंकि वो चंडीगढ़, मैं अमृतसर। क्या बात है! अच्छा आप लक्स परफेक्ट ब्राइड बनना चाहती हैं? हूँ। ओ शक है कोई? नहीं नहीं कोई शक नहीं आपको देखकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ की प्रथा है आप सब जानते हैं, जो भी कन्या लक्ष परफेक्ट ब्राइड बनना चाहती है उसे इस मंच पर आके मुझे राखी बांधनी पड़ती है। इसलिए राखी? नहीं नहीं नहीं। अरे क्यों, क्या हुआ? मैं आपको बचपन से ही प्यार करती हूँ, मैं नहीं राखी बांधूंगी। देखो बेटा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। नहीं अंकल मैं आपसे शादी करो, शादी करो। अरे अरे लली बहुत दुख भरी कहानी है, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी स्कूल में वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। मैं मर गई। फिर मुझे जमाने को सिर्फ एक ही चीज कहनी पड़ती थी, चप्पल बड़ी पतली है पैर में नहीं आती, मेरी महबूबा जरा मोटी है मेरे दिल में नहीं आती। बेटा वो तुम्हारा? अरे अरे सुनो ना लली, लली लली ने हंसा हंसा कर हमारे गाल लाल कर दिए। लेकिन अब हमें बात करनी है हमारे कुंवर और कन्याओं की। अब बचे हैं सिर्फ 3 हफ्ते, इन 3 हफ्तों में इन 4 कुंवर और कन्याओं का क्या होगा? वेल रोमित, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कन्या और कुंवरों के बीच में इतना कुछ मतलब हुआ है सारे हफ्तों में, मतलब हालात ऐसे कुछ है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ शादी वादी तो नहीं होने वाला है। जी आप जिन हालातों के बारे में बात कर रही हैं मैं वो समझ रहा हूँ, एंड ये बहुत ही सीरियस इशू है, इस बारे में हम बात करेंगे लेकिन कुछ पलों बाद, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड।